आपका चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है सिलेबस ऑफ जावा। नहीं, सिलेबस ऑफ जावा नहीं, आज में खास बात यह है कि सिलेबस मैप ऑफ जावा। अब ये हम इस वीडियो पे देखेंगे कि ये मैप क्या है और हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं वही चीजें बता देता हूँ, हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस मैप के बारे में। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आखिर जानकारी लेने की जरूरत क्या है, इसके आगे हमारा सिलेबस जो है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और हम उसको और कितने अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं जिससे कि हम उसको बहुत इजीली और आसानी से, मतलब बहुत कठिन ना लगे हमको और हम उसको पूरा कवर कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमको अपने सिलेबस पे अप्रोच कैसे लेनी है। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं इंटरलिंक होती हैं, तो हम पहले उनकी बेसिक चीज़ों को जाने और उसके बाद फिर हम एडवांस चीज़ों को जाने। तो यही बातें हैं कि हम अपने सिलेबस पे अप्रोच कैसे लें, उसका नेचर कैसा है इसके बारे में, और डिफिकल्टी लेवल, जो हमारा सिलेबस है उसका लेवल क्या है, जो हमारा सिलेबस है उसका लेवल क्या है। वेरी हार्ड है तो हार्ड है तो कहाँ पे है, किन टॉपिक पे है, और अगर ईजी है तो किन टॉपिक पे है। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको हमको धीरे धीरे सीखना है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम आज इस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और हाँ, सबसे मेन टॉपिक हमको रेफरेंस कहाँ से लेना है। हम चीज़ों को सीखने तो जा रहे हैं लेकिन उन चीज़ों को हम सीखें कहाँ से। एक तो सोर्स आपके पास है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कहाँ से सीखता, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैप क्यों ज़रूरी है, वाई मैप। अब हमको मैप जानने की जरूरत क्यों होती है, अगर हमको कहीं जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो हमको ये जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ से और कहाँ जाना है। तो वही बात है कि माइंडसेट करने के लिए कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है, इसके बाद अगली चीज़ें पढ़नी है, इसके बाद अगली चीज़ें पढ़नी है, और इसके बाद हमारी जर्नी ख़त्म, ये चीज़ों के लिए मैप की ज़रूरत है। और ये मैप कोई, ये वर्चुअल मैप आप इसको कह सकते हैं जो मैं समझा रहा हूँ, ये मेरी एक कल्पना है। मीन्स मैंने इसको अज्यूम किया है कि ऐसा मैप होना चाहिए, ऐसा मैप होगा तो हम इसको बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे सिलेबस को। इसके बाद होता है सीक्वेंस। मैप के जरिए हमको ये पता लग जाएगा कि हम किन किन टॉपिक के किस किस सीक्वेंस पे पढ़ें और कि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो ये सीक्वेंस हमको पता चलेगा। ईजी टू अप्रोच, हमको अप्रोच लेना ईजी हो जाएगा अगर हमको चीज़ें पता है कि ऐसे ऐसे पढ़ते जाना है और हम यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, हम यहाँ से शुरू करके और यहाँ पे पहुंच जाएंगे, अगर हमको पता है तो हम बड़े आराम से अप्रोच ले सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल कमांड, क्योंकि जावा थ्योरी तो कोई सीख नहीं रहा, सब सीख रहे हैं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनने लगे उसके लिए हम थ्योरी सीखते हैं, तो प्रैक्टिकल कमांड हमारी बेस्ट होनी चाहिए, मत मैं तो कहता हूँ बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए। इसलिए हमको ऐसा मैप बनाना चाहिए, ये मेरा ही बनाया है, मतलब ऐसे तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, इसको स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं कि जावा की फुल स्ट्रेटजी, हम जावा पे कैसे कमांड कर पाए और ये चीज़ें सिलेबस के बाहर भी ना जाए, क्योंकि अगर सिलेबस के बाहर सीखना है तो जावा तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसके ऊपर मैं कभी और डिस्कस करूँगा। आज हम केवल सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें इधर पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल कमांड, जावा पे प्रैक्टिकल कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है, हम जितना पढ़ रहे हैं उसकी हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिकल कमांड होनी चाहिए, इस चीज़ पे को भी ध्यान में रखते गए हुए हमको चलना है। इसके बाद आता है मेक पॉसिबल। वैसे जावा का जो सिलेबस है, मैं बार बार सिलेबस वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा कि जावा लैंग्वेज, मैं ये कह रहा हूँ कि जावा का जो सिलेबस है ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मॉडरेट लेवल का है। अगर आप इसको सही से पढ़ें बहुत ईजी है, अगर आप सी सी प्लस प्लस सीख के आ रहे हैं तो वो और ईजी हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि जो कुछ चीज़ें हैं जो कठिन हैं, या कि अगर आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगता है तो उसको पॉसिबल बनाएगा ये मैप की जानकारी होना, ये सीक्वेंस उसको पॉसिबल बनाएगा कि हम उसको इजीली कर पाएं, डन कर पाएं अपने सिलेबस को विद इन टाइम। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये है सिलेबस, मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस क्या है हमारे पास, तो हमारे सिलेबस को 5 भागों में, ये जो सिलेबस है ये RDVV रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ये सिलेबस Unit 1, Unit 2, Unit 3, 5 यूनिट में है। मार्क्स को मारो गोली, मार्क्स ऐसे ही हैं, हमको तो सिलेबस कवर करने से मतलब है। तो ये Unit 1 में डेटा टाइप्स के बारे में, उनकी वैल्यूज के बारे में, इंटीजर, शॉर्ट, फ्लोट, करेक्टर सेट, बूलियन, रेंजेस
और फिर इसके बाद आइडेंटिफायर, वेरिएबल, ऑपरेटर और उनकी प्रिसीडेंस, इसके बारे में, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिक जावा का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम किसी लैंग्वेज में ए बी सी डी सीखते हैं तो इसको हम जावा की ए बी सी डी कह सकते हैं। ये ए बी सी डी है। ए फॉर अब क्या बताऊं मैं, ए फॉर कुछ नहीं। फिर इसके बाद जो यूनिट टू है, यूनिट टू में जो क्लासिफिकेशन, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब उनको अपने बच्चे के अंदर इतनी सारी चीजें चाहिए, स्टूडेंट से वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे इतनी चीजें आनी चाहिए, लेकिन इन चीजों को आने, ये चीजें आए इसके लिए जरूरी है कि इनकी जो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी आए, तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इन चीजों को सीखने के लिए और क्या क्या चीजें हमको सीखनी चाहिए। तो यह है स्टेटमेंट्स, सिंपल एंड कंपाउंड, यूज ऑफ कंट्रोल लूप वगैरह वगैरह, स्ट्रिंग एग्जाम्पल, क्लास टाइप, ये सब। मतलब इसमें आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल कर दिया गया है, जैसे कि लूप वगैरह, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट तो नॉर्मल ही है। यहाँ पे क्लास टाइप डेटा जैसे एरे और स्ट्रिंग के बारे में दे दिया गया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, इनको हमको तोड़ के करें, अगर कुछ एक यूनिट में कर लें, कुछ दूसरी यूनिट में कर लें, कुछ तीसरी यूनिट में कर लें, और जैसे जैसे इनका यूज आएगा, क्योंकि यहां से ही डायरेक्ट आपको लूप का, तो स्टार्टिंग से ही आपको इफ इल्स कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमको पहले सीखनी है, कुछ चीजें हैं जो बाद में सीखनी है, कुछ धीरे धीरे आएंगे आपको उसे, है ना। अब जैसे आपको अगर क्लास भले नहीं पता है, क्लास आपको यहाँ पे पढ़ने को मिले भले, लेकिन अगर आप सिंपल प्रोग्राम भी डिजाइन करने जा रहे हैं जावा में, आपको क्लास की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये जो मैप है इसी तरह से डिजाइन किया गया। फिर इसके बाद आता है डेफिनेशन, नेमिंग कन्वर्जन, कन्वेंशन फॉर द मेंबर्स ऑफ जावा, क्लासेज, फील्ड्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस मेथड। यूनिट 3 में आपको क्लास इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, उसकी मेथड इंट्रोड्यूस करा रही जा रही हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह इधर पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इसके बाद यूनिट 4 में आपको इनहेरिटेंस, सुपर क्लास, सब क्लास, ओवरलोडिंग, यहाँ पे ओवरलोडिंग यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस थ्रेडिंग, अब ये इंटरफेस का यूज मल्टी थ्रेडिंग में होगा, लेकिन अब एकदम से अगर आप इंटरफेस सीखेंगे और एकदम से आप थ्रेडिंग सीखेंगे तो ये आपस में कंट्राडिक्ट कर जाएंगे, इसलिए हमको थ्रेडिंग कुछ दिन पहले और मल्टी वो इंटरफेस के बारे में कुछ दिन पहले जान लेना अच्छा है, और फिर मल्टी थ्रेडिंग उसके बाद में। इसके बाद जावा वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको आप कह सकते हैं मिसचेलेनियस, मतलब यहाँ से जो कुछ भी छूटा हुआ है उसको, एक्सेप्शन, पैकेज, आईओ, इनपुट आउटपुट फाइल, स्ट्रिंग हैंडलिंग, एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिसेस, ये मतलब जो छूटे हुए हैं वही यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसके बाद मैं बता दूँ, कुछ लोग सोचेंगे कि ये सब जान के हमको क्या फायदा, अरे भैया यही तो पढ़ना है आपको, ये नहीं जानोगे कि क्या पढ़ना है और सीधे, मतलब ये नहीं पता कि दौड़ना कितना है, कहाँ दौड़ना है, बस सीधे दौड़ने लगे, ये कोई सही अप्रोच नहीं है। इसकी सही अप्रोच है पहले जानो कहाँ दौड़ना है, कितना दौड़ना है, उसके बाद फिर जानो किस तरह से दौड़ना है, फिर उसमें ये देखो किस तरह के हमको टूल्स यूज कर सकते हैं दौड़ने में, शूज यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बाद दौड़ो ना आप, तब आप फर्स्ट आओगे। तो यूनिट वन का सिलेबस यहाँ पे वही वाला है जो मैं अभी बताया था, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इतनी चीज़ों को सीखने से पहले, या कि इन चीज़ों को सीखने के लिए, इन चीज़ों को सीखने के साथ आपको और क्या चीज़ें सीखनी है, जो मैं सिखाने वाला हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, नियरेस्ट फ्यूचर पे, मतलब बहुत जल्दी मैं इन सब चीज़ों को कवर कर जाऊंगा। यूनिट 5 तक कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत ईजी अप्रोच के साथ कवर कर जाऊंगा। तो बस यही है प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ डेटा टाइप के बारे में मैं अगर मेनली बात करूँ तो यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में जानना है, ए बी सी डी है ये पूरा, इसको हम ए बी सी डी ऑफ जावा कह सकते हैं, और ये रिजर्व वर्ड वगैरह, लोकल वेरिएबल, आइडेंटिफायर, और मेन टॉपिक मैं कहूँ तो ऑपरेटर एंड इट्स प्रिसिडेंस है, बस दो ही टॉपिक हैं यहाँ पे। लेकिन इन चीज़ों को सीखने से पहले, अब चूंकि हम यहाँ से जावा की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कट रहा, अब नहीं कटेगा, हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा के बारे में, जावा कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो जावा की कह सकते हैं, जो भाषा में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, जैसे सी प्लस प्लस में ओप्स के कॉन्सेप्ट आए थे, वैसे ही जावा के साथ कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, उनके बारे में।
फिर उसके बाद, या कि ऐसी चीजें हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को ना पता हो, तो ये टर्मिनोलॉजी हमको जान लेनी चाहिए कि जावा का बाइट कोड क्या है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग क्या है, ओप क्या है, इसके बारे में इवोल्यूशन ऑफ जावा, जावा कैसे कैसे बड़ा हुआ, उसके वर्जन्स कैसे कैसे आए और उसके साथ क्या क्या फीचर इंट्रोड्यूस किए गए, ये चीजें हमको जान लेना यहाँ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि आप कंटिन्यू अपडेट होते जा रहा है, तो फिर भी जान लेना चाहिए, अच्छा है। इसको जावा का जीके कह सकते हैं, जनरल नॉलेज। फिर इसके बाद ओवरव्यू ऑफ जावा, ऑप्स के कंसेप्ट। अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ के आए हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इन चीज़ों को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी फॉर रिवीजन हमको पढ़ लेना चाहिए। फिर इसके बाद आता है सिंपल प्रोग्राम, हमको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप थ्योरी तो पढ़ते जाएंगे, थ्योरी पढ़ते जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ से ही हम प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू करेंगे। इस प्रैक्टिकल अप्रोच में हमको सिंपल प्रोग्राम सेविंग, एडिटिंग, एग्जीक्यूशन उसका कैसे करना है, वेरिएबल के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ चुके हैं, और पढ़ चुके हैं तो ये चीज़ें हो सकता है सिमिलर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे भी जो सिलेबस है उसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ, उससे कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे एरे और पॉइंटर के बारे में हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा जानना पड़ेगा, एकदम बेसिक नॉलेज जानना पड़ेगा, इतने में हमारी यूनिट वन कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनिट टू। यूनिट टू का सिलेबस ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सीधे मिलेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट और क्लास के बारे में, दो चीजें ही यहाँ पे दी गई हैं, सीधे सीधे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है। लेकिन यहाँ से अब हम धीरे धीरे लैंग्वेज पे ABCD से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे कवर करना चाहिए। ये है टॉपिक, नीड क्या है इनकी, मतलब वो कुल मिला के भाई इन्हीं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर ही आ जाएगा ये सब, इफ एल्स स्विच वगैरह। इसके बाद फॉर ईच लूप, यहाँ पे फॉर लूप लिखा हुआ है ये, लेकिन यहाँ पे फॉर ईच लूप जो कि जावा का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एरे वगैरह को इटरेट करने के लिए, एरे वगैरह को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, तो इसको जानना यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। इटरेशन, मल्टी डायमेंशनल एरे, यही फॉर ईच का लूप कैसे होना है। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट भी यहाँ पे शायद लिखा है या नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है, तो ये चीज़ें भी यहाँ हैं। फिर इसके बाद यहाँ से अब हम प्रैक्टिकल कमांड पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल कमांड पे आगे बढ़ने के लिए क्लास जानना जरूरी है, ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इजी यूनिट है। तो इस यूनिट में हम कुछ यूनिट 3 के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स, असाइनिंग रिफरेंस वेरिएबल। क्या है कि जब क्लास जावा में किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया जाता है, तो सी जैसे नहीं होते, सी प्लस प्लस जैसे नहीं होता, उसका हमको ऑब्जेक्ट का रिफरेंस बना के, तो रिफरेंस बना के उसको मतलब इंस्टेंशिएट किया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पढ़ लेना है हमको। फिर इसके बाद मेथड, कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड, इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग, गैरबेज कलेक्शन इन जावा। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये कहीं पे भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो भी अच्छी बात है। ये जो दोनों, ये दो टॉपिक पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो अच्छी बात है, ये जावा का जीके है, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऊपर के जितने टॉपिक हैं इनको नहीं छोड़ सकते। तो इन सब चीज़ों को भी मैं कवर करूंगा, एकदम सिक्वेंस से कवर करूंगा, इसी प्लेटफॉर्म पे करूंगा, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। इसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 का सिलेबस ये है, डेफिनेशन, नेमिंग कन्वेंशन फॉर द मेंबर जावा क्लास। क्लास हम पीछे ही पढ़ चुके होंगे, पिछली यूनिट में ही कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पे उसका बर्डन नहीं पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर भी कवर कर चुके हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस मेथड, मतलब कुल मिला के हम इस यूनिट के पूरे टॉपिक जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको हम कहाँ पे कवर कर लेंगे, यूनिट 2 पे। यहाँ पे और कुछ खास नहीं है, यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए टाइम एलोकेट करते हैं, मतलब इस यूनिट के नाम पे हम केवल यहाँ पे इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ट कमांड, बेस्ट से बेस्ट कमांड बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो चीज़ें एकदम दिमाग में उतर जाएं। अरे पढ़ो तो ऐसा कि एकदम दिमाग में उतर जाए। यहाँ पे हम मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, रिकर्जन, रिकर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, रिकर्जन इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे हमको रिकर्जन की जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रोग्राम हम ऐसे भी बनाएंगे जिनमें रिकर्जन की जरूरत पड़ेगी। स्टैटिक, अब ये यूनिट पे तो कुछ खास है नहीं, तो हम कुछ चीज़ें ऐसी जानेंगे
जो हमारी मोस्ट यूज्ड है। एरे को यहाँ पे हम डीप में पढ़ेंगे। इसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, इसकी यूज, क्योंकि स्टैटिक क्लास को एक्सेसिबल बनाता है। जैसे हम शुरुआत में ही लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, तो यहाँ पे ये मेथड को जो है तो एक्सेसिबल बनाता है आउटसाइड ऑफ प्रोग्राम। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इनर क्लास यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इनहेरिटेंस हम यहीं पे पढ़ेंगे। सुपर, ये शायद अगले यूनिट का है, ये यूनिट 4 में होगा। हम इसको यहीं पे पढ़ेंगे और इसका हम यहीं से यूज शुरू कर देंगे, क्योंकि यहां तक आने के बाद हम इस लेवल पे हैं कि हम अपने एडवांस लेवल के, कुछ हाई लेवल के प्रोग्राम डिजाइन कर पाए। तो हम यहीं से शुरू करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में, यहाँ पे पैकेज के बारे में जानेंगे, एक्सेस प्रोटेक्शन, इंटरफेस एंड यूज। इंटरफेस, इंटरफेस यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद जो बाकी का हिस्सा है अगली यूनिटों में जानेंगे। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले आपको इसके बारे में इनका इकट्ठा यूज पड़ेगा, तो आपको हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जब हम इनको स्पेसिफिक पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इनके बारे में थोड़ी सा जानेंगे, इनका यूज करना सीखेंगे, मतलब जो प्रोग्राम के साथ इनका यूज आने वाला है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ यूज आने वाला है। लेकिन जब हम इनको स्पेसिफिक पढ़ेंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल मतलब एकदम डीप में पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 में इनहेरिटेंस कवर, सुपर क्लास कवर, ओवरलोडिंग वगैरह है इसमें, और इसमें एक्सेप्शन के बारे में मेनली है, एक्सेप्शन के बारे में, अगर हम पिछला छोड़ दें। और हाँ, एक्सेप्शन के साथ मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत दो, ये जो मल्टी थ्रेडिंग है ना, ये मेरे हिसाब से काफी कठिन कॉन्सेप्ट है, तो इसको, ये थ्रेडिंग के बारे में सीखना यहाँ पे, इसीलिए हम पहले से क्या सीख के आए, इनहेरिटेंस, इंटरफेस, इंटरफेस के बारे में हम पहले से सीख के आए हैं। तो हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मल्टी थ्रेडिंग और सिंक्रोनाइजेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब इजी हो जाएगा। इसीलिए हम कुछ चीज़ों को पहले से जान के उस पर एकदम प्रैक्टिकल कमांड कर चुके होंगे, तो इन सब चीज़ों का हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इनको यहीं पे सीखते तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे यूज नहीं कर पाते, इनको तो हम सीखते। इसलिए मैं पहले इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद में हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे थ्रेडिंग, थ्रेडिंग के बारे में, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टीपल नेस्टेड नेस्टेड कैच क्लॉज। अब एक्सेप्शन के अंदर ही आता है क्लॉज, जावा थ्रेड मॉडल, ये थ्रेडिंग के अंदर है, थ्रेड मॉडल, सिंक्रोनाइजेशन, मैसेजिंग, थ्रेड क्लास, रनेबल इंटरफेस, मैन थ्रेड, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल थ्रेड प्रायोरिटीज, थ्रेड इन इन थ्रेड कम्युनिकेशन, सस्पेंडिंग स्टॉपिंग एंड रिज्यूमिंग। इतने सारे टॉपिक है ना ये, जो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के, ये थ्रेडिंग के अंदर है। मैं बता रहा हूँ थ्रेडिंग थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ नहीं है, बाकी सब तो हम पहले से पढ़ के आए हैं, C++ जैसे ही है। केवल एक्सेप्शन तो इजी है, एक्सेप्शन पूरा पहले वाला ही है, केवल जावा की लैंग्वेज में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो IO के बेसिक्स, इनपुट आउटपुट बेसिक्स, अभी तक ये इधर पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये शायद यूनिट 5 में होगा, तो हम इसको यहीं पे सीखेंगे यूनिट 4 में। IO बेसिक, स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम, करेक्टर स्ट्रीम, राइटिंग कंसोल, आउटपुट। अब ये जो एप्लेट है, एप्लेट फंडामेंटल, ये आएगा आपका जावा के एडवांस नॉलेज में, ये है जावा का जीके, जीके मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज जो सिलेबस से बिलोंग नहीं करता। ये एप्लेट GUI के लिए है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हैंडलिंग, ये सिलेबस में उतना गहरा में नहीं है, हम इसको कवर कर चुके हैं, इसीलिए मैं बोला कि कुछ चीज़ों को हम पहले कवर कर ले रहे हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग जो है इतना अपने एक सिलेबस में डीप में नहीं है, लेकिन ये वाइडली यूज होगा, इसको हमको जानना मतलब प्रैक्टिकल कमांड के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इन चीज़ों को हम अगेन डीप में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हैंडलिंग को बहुत डीप में पढ़ेंगे, एकदम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे मतलब। और यहाँ पे GUI के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसके बाद GUI की प्रैक्टिकल अप्रोच भी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद है यूनिट 5, जावा वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट, प्लेटफॉर्म ओवरव्यू। अब बताइए, ये प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है कि प्लेटफॉर्म है, ये जावा काम कैसे करता है, जावा का वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब लास्ट में आप अगर पढ़ेंगे तो इसका क्या फ़ायदा, इसलिए हम तो इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में खास यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब छोटे छोटे से टॉपिक हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट थ्रेड, ये सब रिविजिटेड है, पैकेज फॉर IO फाइल, स्ट्रिंग हैंडलिंग, मतलब ये यूनिट जो है ना बहुत छोटी सी यूनिट है,
ये यूनिट बहुत छोटी यूनिट है, इस पर कुछ ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं मिसलेनियस से छूटी हुई हैं उनके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे, जो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं दोनों को कवर करते हुए चल लूँगा। मतलब थ्योरिटिकल अप्रोच हमारी पूरी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ें थ्योरी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे प्रैक्टिकल के लिए वो ज़रूरी होंगी। नंबर, प्रोसेस, रन टाइम, ETC, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, लगभग 30-32 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। फिर कंपाइलर, पैकेज, वेक्टर क्लास, इन्यूमरेशन इंटरफेस एंड मिसलेनियस। ये चीज़ें जब हम जावा को कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इनका डायरेक्ट यूज नहीं होगा, इनका इनडायरेक्ट यूज होगा, इसलिए हम इनको भी यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लेवल। अब अगला क्वेश्चन जो था वो था कि हमारे सिलेबस का लेवल क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं तो हमको सामने वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसके पास पावर कितनी है। तो हम यहाँ पे वही पावर की बात कर रहे हैं, जावा कितना कठिन सिलेबस है। तो मैं इसको जो एनालिसिस किया, इसको एनालाइज करने के बाद ये पता चला मेरे को कि लेवल इजी टू हार्ड है। मतलब अगर हम एक सीक्वेंस से, एक सिलेबस से, मतलब एक एज अ मैप, अगर हम एक मैप के अकॉर्डिंग चलते हुए चले जाते हैं, पूरा एक तरीके से रास्ते की तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बड़े आराम से कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कहीं से भी रेंडम उठाते हैं, या कि किसी अच्छे रिसोर्स से, या कि किसी अच्छे इस रिसोर्स से हम इसका क्या करें, पढ़ें इसको, तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम इसको रेंडमली उठाते हैं तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है इसमें, अगर आप अच्छे C++ सी का नॉलेज रखते हैं तो ये और इजी है, इसके आगे फिर इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। फिर इसके बाद आता है अपने सिलेबस में, मैं ये नहीं कह रहा कि जावा GUI बेस्ट नहीं है, नहीं, केवल जो सिलेबस है इसमें, अपने सिलेबस में GUI के कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, या कि प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे शायद, जब थ्योरी नहीं है तो प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे। GUI बेस्ड कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह से, या कि अपने एज अ पैसन सीखेंगे GUI बेस्ड। फिर इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको GUI बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे लेकिन जानेंगे ज़रूर। फिर इसके बाद इसमें एडवांस थ्रेडिंग नहीं है, थ्रेडिंग थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये इंटरेक्टिव सिस्टम बनाने के लिए यूज होता है, तो अब जावा के में बेसिक थ्रेडिंग के बारे में नॉलेज ही है, उतनी एडवांस थ्रेडिंग नहीं है। लिमिटेड लाइब्रेरी फंक्शन, हमारे सिलेबस में लाइब्रेरी फंक्शन लिमिटेड है, उतना डीप में, मतलब पूरे तो कवर करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि अगर हम एंड्रॉयड के लिए काम कर रहे हैं तो जावा की अलग लाइब्रेरी यूज होंगी, और अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना रहे हैं अलग, इंटरनेट के लिए बना रहे हैं अलग। अगर आगे आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं आपको इंटरनेट के क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोग्राम भी बनाना सिखाऊंगा कि हम जावा का यूज करके कैसे क्लाइंट सर्वर सिस्टम, एक लैब के तरीके पे बताऊंगा कि लैब में हम कैसे उसको बना सकते हैं। इसके बाद लिमिटेड लाइब्रेरी फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अगर हमको किसी अलग तरीके के काम करने पड़ेंगे तो लाइब्रेरी फंक्शन सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं मोस्टली एरे, स्ट्रिंग, क्लास और थ्रेड, इन सब क्लास के पूरे फंक्शन हमको, पूरे नहीं तो बेसिक फंक्शन हमको पता है, तो इनको आगे सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक है। इसके बाद जो बहुत कंफ्यूजिंग, या कहते हैं इसको कि बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो है रेफरेंस। हम रेफरेंस कहाँ से लें, इसका रेफरेंस क्या होना चाहिए, रिसोर्स क्या होना चाहिए, तो मैं इसको बताता हूँ। ये बेस्ट है, एकदम ये एकदम बेस्ट है। आप बुक्स पढ़िए, आप बुक्स कैसे पढ़िए, एकदम बेस्ट बुक पढ़िए, अगर आपको बुक पढ़ना ही है। वैसे तो मैं हूँ यहाँ पे, कवर करवाऊँगा पूरी चीज़ें, लेकिन अगर आपको फिर भी अपना नॉलेज गेन करना है खुद से, बुक पढ़िए, तो ऐसी वैसी नहीं, एकदम वर्ल्ड की बेस्ट बुक पढ़िए। भले समय लगे, भले मेहनत लगे, लेकिन बेस्ट बुक पढ़ना है, उससे ये एकदम बेस्ट रेफरेंस रहेगा। इसके बाद साइट्स, मैं इसको एकदम लीस्ट इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, अगर ज़रूरत ना हो तो इस पर ना जाएं, क्योंकि ये एक तो कंफ्यूज कर देते हैं, ऊपर से इनमें कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, कुछ साइट ऐसी होती हैं जिनकी कोई अथेंटिसिटी ही नहीं है, इसलिए इन चीज़ों पे ना जाएं। अगर कहीं पे भी नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद गूगल तो है ही, गूगल का यूज़ कीजिए, फिर साइट पे जाइए, पढ़िए, लेकिन जहाँ तक हम इसको अवॉइड कर सकें इसको अवॉइड करना चाहिए।
इसके बाद आता है वीडियो। अगर हम को कोई अच्छा एक्सप्लेन करने वाला मिल रहा है, एकदम बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, वो एकदम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल एकदम पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है, तो हमको वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। मतलब ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो तीसरा है, इसके अगर यहाँ से भी हमको कहीं से भी कुछ ना मिले तो हमको फिर यहाँ जाना चाहिए। इसके बाद रेफरेंस भी हो गया। और एक चीज़ है कि हमको जब हम अपनी स्टडी कर रहे हो तो हमको प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ेंगे भूल जाएगी, लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिकल कर लिया तो वो हमेशा के लिए एकदम माइंड में सेव हो गया। तो प्रैक्टिकल अप्रोच मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद में मुलाकात होगी फिर से, फिर कभी अगले वीडियो लेक्चर में। और आप मेरे को चेक कर सकते हैं 1-2 दिन में, मैं अब कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।